हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में 12वीं क्लास मैथमेटिक्स में अवकलज के अनुप्रयोग चैप्टर में एक्सरसाइज 6.2 को सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 to 6 को सॉल्व कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 7 से हम सॉल्व करते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आप बुक में थोड़ा इमारती देखेंगे, आपसे यही पूछा गया है कि यह फलन इस प्रांत में यक्स ग्रेटर देन माइनस 1 के लिए वर्धमान है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसे प्रूव करना है। तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन प्रूव करने के लिए हम क्या बताए थे, आपको मेथड पता होना चाहिए। आप सबसे पहले डी वाई डी एक्स ज्ञात करते हैं या फिर एफ डैश एक्स ज्ञात करते हैं, और इस प्रांत में अगर आप इसका मान पॉजिटिव दिखा देते हैं तो ये प्रूफ हो गया कि यह फलन इस प्रांत में मतलब यक्स माइनस 1 से बड़े मानों के लिए वर्धमान है। तो आइए यही काम करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका अवकलज ज्ञात करेंगे। ये लिख सकते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू यक्स। तो डी वाई डी एक्स क्या होगा, लॉग यक्स का डिफरेंशियल 1/1 + x इंटू डीडीएक्स 1 + x 1 होगा, माइनस इसमें अंश और हर का फॉर्मूला लागू होगा 2 + x का होल स्क्वायर, फिर 2 + x इंटू 2x का डिफरेंशियल 2 - 2x 2 + x का डिफरेंशियल 1। ये हो गया 1/1 + x माइनस इसका गुणा करें 4, ये होगा 2x माइनस 2x कैंसिल हो जाएगा 4/2 + x का होल स्क्वायर। अब इसमें यही चेक करना है कि यह थोड़ा सा और इसको हम साफ कर रहे हैं, इसमें 1 + x 2 + x का होल स्क्वायर लॉस ले रहे हैं, इसका गुणा कर रहे हैं 2 + x का होल स्क्वायर माइनस 4 1 + x। इसमें चेक करें क्या होगा, इसका होल स्क्वायर क्या होगा, 4 + x² + 4x ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 × 4 = 8, इसका गुणा करें -4 - 4x अपॉन जैसे है लिखें 1 + x 2 + x का होल स्क्वायर, इससे ये कटेगा और इससे यह कटेगा, तो क्या बच गया, x स्क्वायर अपॉन 1 + x 2 + x का होल स्क्वायर। हमें क्या प्रूव करना है, x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन माइनस 1, जैसे संख्या रेखा आपका ये है 0 - 1 - 1 - 2 - 3 - 2, माइनस 1 से बड़ा इधर का मान हुआ है। इन मानों पर देखें, जब 0 के एबव जाएंगे तब तो ऑलरेडी x पॉजिटिव ही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सब कुछ धनात्मक होगा। इसके इधर 0 से माइनस 1 के बीच में जांचना आपको, अगर जो ऋणात्मक संख्याएं हैं तो अगर यहाँ x का स्क्वायर है तो ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव होगा, यहाँ पर कुछ भी रखेंगे ये होल स्क्वायर है पॉजिटिव होगा। बात यही है, केवल इसी के बारे में सोचना है ये कब पॉजिटिव होगा कब निगेटिव होगा। ये निश्चित है जब x की वैल्यू -1 से छोटा होगा, आप देख सकते हैं, तब ये निगेटिव होगा। -1 की एक बड़ा इधर कोई भी मान रखे आप यहां सोच रहे हैं, ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा, इसको आप ध्यान दीजिए पॉजिटिव होगा। तो इस बात को अब इतना ज्यादा कुछ लिखना नहीं है, बस यहां सीधे लिख लेंगे, आप सोच लेंगे यहां और लिख लेंगे, स्पष्ट है कि यक्स ग्रेटर देन माइनस 1 के लिए यफ डैश यक्स या फिर ये डी वाई डी एक्स, ये डी वाई डी एक्स दोनों एक ही बात है, ग्रेटर देन 0, अतः x ग्रेटर देन
माइनस वन के लिए फलन वर्धमान होगा, फलन वर्धमान होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ, इसको आप अच्छी तरह से नोट कर लें। प्रश्न नंबर 8 में क्या पूछ रहा है, वाई इक्वल यक्स, यक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। इसमें ये पूछा गया है यक्स के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए फलन वर्धमान है। तो मीन्स वही इंटरवल निकालना है, जैसे पहले हम अंतराल निकाल रहे थे, अंतराल ज्ञात करेंगे कि कहां पर ये वर्धमान है, कहां ह्रासमान होगा। तो उसके लिए क्या बताया गया था आपको, सीधे इसका अवकलज कीजिए, प्रथम अवकलज, उसके बाद उसको जीरो कीजिए, यक्ष के कुछ मानों को निकाल कर और पूरे संख्या रेखा को आप उतने इंटरवल में बांट दें। देखते हैं, तो सबसे पहले डी बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। तो डी डी बाई डी एक्स को ज्ञात करने से पहले, ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं ऐसे लिखते हैं, इसका पूरा करना है, यक्ष स्क्वायर माइनस यक्ष का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, गुणा करो। ये स्क्वायर एक मिनट क्या है, ये स्क्वायर पूरे का ज्ञान लीजिएगा, ये स्क्वायर क्वेश्चन ऐसे है, यक्ष यक्ष माइनस टू इस पूरे का होल स्क्वायर, अब इसका गुणा करो, यक्ष स्क्वायर माइनस टू यक्ष का होल स्क्वायर। ओके, अब डिफरेंशियल एक गुणा इसलिए किए ताकि डिफरेंशियल आसान हो जाए। इसका डिफरेंशियल क्या होगा, यन यक्ष पर यन माइनस वन टू यक्ष स्क्वायर माइनस टू यक्ष इंटू डी डी एक्स यक्ष स्क्वायर माइनस टू यक्ष टू यक्ष स्क्वायर माइनस टू यक्ष इंटू यहां क्या होगा टू यक्ष माइनस टू, इसमें से टू काम लेते हैं टू, इसमें से यक्ष भी काम लेते हैं यक्ष, तो यहां क्या बचा यक्ष माइनस टू, और यहां टू काम ले चुके हैं टू यक्ष माइनस वन। तो यहां पर जब डी वाई डी एक्स इक्वल जीरो रखते हैं तो यक्ष के कौन कौन से मान प्राप्त होंगे, डी वाई डी जीरो में से यदि मान जीरो तो ये तो गुणनखंड बना हुआ है, जीरो रखते हैं एक मान यहां यक्ष इक्वल क्या आएगा जीरो आएगा, इसको बराबर करेंगे जीरो तो वन आएगा, इसको बराबर करेंगे तो टू आएगा। तो यक्ष के तीन मान प्राप्त हुए जीरो वन टू। अगर हम संख्या रेखा पर इसको दर्शा दें जीरो वन टू यहां पर है, तो इसे हम अंतराल में बांटते हैं, माइनस इनफाइनाइट से जीरो एक अंतराल बना, जीरो से वन एक अंतराल बना, वन से टू एक अंतराल, और टू से इनफाइनाइट एक दो तीन चार अंतराल बन रहे हैं, इन चारों में चेक करना होगा। तो अंतराल क्या मिल रहे हैं, माइनस इनफाइनाइट जीरो जीरो वन वन टू और टू इनफाइनाइट, ये इतने अंतराल प्राप्त हो रहे हैं। अब हम इस बात को ज्ञात करेंगे इसमें से किन अंतराल किन अंतरालों में ये टी बाई डी एक्स पॉजिटिव होगा, क्योंकि आपको बताना है यक्ष का कौन सा मान है जिस पर ये फलन वर्धमान है। तो हम एक एक अंतराल करते हैं, आप चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, देखिए अपने समझने के लिए, जैसे यहाँ देखिए आप ऐसे टेबल बना सकते हैं हर सवाल में अंतराल और ये जो डी बाई डी एक्स है इसका मान, जैसे माइनस इनफाइनाइट से जीरो एक इंटरवल, जीरो से वन एक इंटरवल, वन से टू एक इंटरवल और टू से इनफाइनाइट। ये केवल यहां चिन्ह को पकड़ना, ये माइनस इनफाइनाइट से जीरो का मतलब क्या है, यहां देखो जीरो वन टू, तो माइनस इनफाइनाइट से जीरो में जीरो से छोटा, जब जीरो से छोटा यक्ष होगा तो आप यहां से पकड़ आखिर यक्ष तो ऑलरेडी निगेटिव होगा कि नहीं होगा। तो ये वाला फैक्टर, इसमें तीन फैक्टर हैं, पहला फैक्टर ऋणात्मक हो रहा है ये वाला मान, और जब यहां मान जीरो से कम है तो कोई भी मान रखते देखो ये ऑलरेडी माइनस टू है और जीरो से कम वाला भी माइनस ही होगा, ये माइनस माइनस क्या होगा माइनस ही होगा, इसका मान जीरो से छोटा है तो भी माइनस ही होगा। तो कुल मिला के
ये मान निगेटिव होगा, तीन माइनस मिल गए ये ऋणात्मक होगा। जीरो से वन, जीरो से वन में आते हैं, जीरो से बड़ा हो गया तो यक्स ऑलरेडी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, यक्स क्या होगा पॉजिटिव। दूसरा पद जब ये एक से छोटा ही है तो एक से छोटा में हम मान रहे हैं कि माइनस बदले निगेटिव है, ये मान होगा निगेटिव। एक से छोटा मान जब माइनस वन है तो ये माइनस भी होगा, ओके माइनस। तो क्या हुआ एक प्लस, ये वाला प्लस माइनस माइनस, उस दो माइनस मिलकर क्या होता है प्लस। वन टू में एक से बड़ा और दो से छोटा, एक से बड़ा ये पॉजिटिव, एक से बड़ा लेकिन दो से छोटा है निगेटिव होगा, एक से बड़ा तो पॉजिटिव होगा, एक माइनस दो प्लस तो माइनस होगा, और दो से बड़ा होने पर ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, दो से बड़ा होगा और ये भी पॉजिटिव, तो कुल मिलाकर के पॉजिटिव सीधे दिख रहा है। तो किन किन अंतरालों में पॉजिटिव आया देखिए आपके सामने, यहाँ जीरो वन और टू इनफाइनाइट लिख सकते हैं, अतः जीरो वन तथा टू इनफाइनाइट में फलन वर्तमान होगा, वही अंतराल बताना था, मतलब जीरो और वन के बीच के मानों पर और दो से बड़े अंकों के लिए, दो से बड़ी संख्याओं के लिए ये फलन वर्तमान है। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर एक कंप्लीट हुआ। अब देखिए प्रश्न नंबर नौ, इस अंतराल में यह जो फलन y बराबर दिया 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा, क्या सिद्ध करना है किताब देखें, इसमें सिद्ध करना है कि थीटा का एक वर्धमान फलन है, ये थीटा में फलन y इस अंतराल में एक वर्धमान फलन है, तो क्या दिखाना होगा d/d थीटा निकालना है, और इस अंतराल में हम ये दिखाते हैं यह पॉजिटिव होगा d/d थीटा, तो d/d थीटा को निकालते हैं थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहां तो अंश बटे हर है तो सीधे फॉर्मूला लगा रहे हैं 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर 2 प्लस cos थीटा 4 sin थीटा का डिफरेंशियल 4 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा इनटू इसका डिफरेंशियल माइनस sin थीटा और इस थीटा का माइनस वन होगा, ये डिफरेंशियल लगते हैं, ये माइनस वन अलग है, इसका पूरा करो इसमें 4 गुणे 8 8 cos थीटा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर को हम लॉसा ले रहे हैं इसमें और इसमें, तो यहां क्या है 8 cos थीटा प्लस इसमें हम 4 कॉमन ले रहे हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस इसका गुणा उधर करें 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर लॉसा लिए तो क्या मिलेगा फिलहाल cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होगा, इसको हम 1 लिखते हैं, यानी कि 8 cos थीटा प्लस ये केवल 4 हो गया 4 माइनस इसमें a प्लस b का होल स्क्वायर लगा है a स्क्वायर तो 4 ये माइनस है तो सभी पद माइनस हो जाएंगे माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 दूनी 4 4 cos थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, यहां इस 4 से यह 4 कटेगा 8 cos थीटा माइनस 4 cos थीटा 4 cos थीटा होगा और माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, यहां क्या 4 इसमें आप चाहे तो cos थीटा काम ले लीजिए 4 माइनस cos थीटा ऐसे लिख सकते हैं 2 प्लस cos थीटा।
अब इस पर आपको विचार करना है, ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव इस अंतराल में। ये अंतराल क्या है? 0 से π/2 मीन्स ये पहला चतुर्थांश है। तो 0 से बड़ा और 90 अंश तक के कोण के लिए cos पॉजिटिव होता है। प्रथम चतुर्थांश में cos पॉजिटिव होता है, तो ऑलरेडी cos थीटा पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये धन ही आएगा। अब बात यहाँ पर, चूंकि cos थीटा तो पॉजिटिव होगा और माइनस है, ये पूरा कोष्टक ऋणात्मक तब होगा जब cos थीटा का मान 4 से बड़ा हो, क्योंकि 4 माइनस, तो हम जानते हैं कि cos थीटा का मान 1 से ही छोटा होता है, 1 से बड़ा तो होता नहीं है। तो इससे सिद्ध होता है कि ये पूरा मान क्या होगा? धनात्मक होगा। तो इस बात को सीधा आप लिख सकते हैं, स्पष्ट है कि ये सभी पदों को अलग अलग दिखा सकते हो, cos थीटा 4 माइनस cos थीटा 2 प्लस cos थीटा, यहां पूरा लोग लिखा है, सभी धनात्मक होंगे, अर्थात dy/dθ ग्रेटर देन 0 है, dy/dθ ग्रेटर देन 0 है, अतः फलन परमान है, ये प्रूफ हुआ, परमान सिद्ध करना था। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 9 भी पूरा हो गया, इसको हम नोट कर लें। प्रश्न नंबर 10 क्या है? सिद्ध कीजिए कि लघुगणकीय फलन 0 to ∞, ये ओपन इंटरवल है, इसमें वर्धमान फलन है। जैसे हम कोई भी लघुगणकीय फलन लेते हैं, सपोज दैट y log x, तो इसका डिफरेंशियल क्या होता है? dy/dx = 1/x। अब आप सोच सकते हैं 0 से बड़ा अनंत तक मीन्स पॉजिटिव नंबर, तो सभी जब पॉजिटिव ही है तो 1/x कभी निगेटिव हो सकता है क्या? कभी नहीं होगा। इसलिए इस अंतराल 0 से ∞ में लघुगणकीय फलनों का अवकलज धनात्मक है, अतः वर्धमान हो गया। यही बात लिख लेंगे, यहां लिख लेंगे, स्पष्ट है कि 0 to ∞ में 1/x ग्रेटर देन 0, अर्थात dy/dx ग्रेटर देन 0, इसलिए फलन वर्धमान है, फलन वर्धमान है, हो गया। प्रश्न नंबर 11 में क्या सिद्ध करना है? आपको प्रूव करना है कि फलन x²-x+1 इस दिए गए अंतराल में न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है, इसको प्रूव करना है। तो देखते हैं क्या, तो पहले क्या करना है? डिफरेंशियल तो ज्ञात करना ही है, तो क्या होगा? 2x-1। हम थोड़ा इसको 0 करके चेक करते हैं, x की वैल्यू क्या आ रहा है। जब डैश x=0 तो दिस इंप्लाइज 2x-1=0 मींस x क्या होगा? 1/2। तो क्या 1/2 इस अंतराल के बीच में ही तो होगा? आप संख्या रेखा पर आ जाए, -1, 0, 1, तो यहां पे 1/2 है, तो इस -1 से 1 को अंतराल को 1/2 दो अंतरालों में बांट रहा है, -1 से ½ और ½ से मतलब 1/2 से 1। तो आप लिख सकते हैं x = 1/2 अंतराल -1, 1 को दो भागों में बांटता है, ये क्या होगा? -1, 1/2 तथा 1/2, 1। अब हम ये चेक करते हैं इसमें क्या है फलन और इसमें क्या है, इसमें वर्धमान क्या है, ह्रासमान किसमें क्या है। तो आप ये चेक करें कि -1 से बड़ा और 1/2 से छोटा जब x का मान होगा, उस दशा में f'x क्या होगा? जब 1/2 से छोटा होगा, जैसे 1/2 यहां रखते हैं, ध्यान दीजिए 1/2 रखेंगे तो 2 कट पे 1-1 0 होगा, लेकिन 1/2 से जीरो छोटा होगा तो ये मान निगेटिव होगा।
कोई मान रखते देख सकते हैं, 1/2 से कोई भी छोटा मान रखते हैं, मान लो 0 ही रखते हैं तो 0-1 होगा। इस अंतराल में यह यक्ष निगेटिव है और इस अंतराल में 1/2 से बड़ा मान रखेंगे तो ये मान यक्ष का मान 1 से बड़ा आएगा, इसलिए ये मान पॉजिटिव होगा। तो इस बात को यहां लिखा है कि स्पष्ट है कि -1/2 में f डैश x लेस देन 0, 1/2 से 1 में f डैश x ग्रेटर देन 0। तो इसमें ह्रासमान हो गया और इसमें वर्तमान हो गया, तो इस तरह से हम क्या होगा, -1 से 1 में क्या होगा, फलन न तो वर्तमान होगा न तो ह्रासमान होगा। अतः अंतराल -1 से 1 में फलन न तो वर्तमान होगा और न ही ह्रासमान होगा, ऐसे नोट करेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ, इसको भी आप अच्छी तरह से नोट करें।